शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के सैफनी में अंबेडकर शोभा यात्रा में शामिल हुए सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां, बसपा नेता राधे श्याम राही समेत तीन लोगों के खिलाफ डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी माना है। विवादित कहा गया और कहा गया कि आजम खां के बिगड़े बोल, आजम खां का विवादित बयान। मैं आपको इस आबादी में, इस बस्ती में और इस कमीशन में जो कि बाबा साहब से ताल्लुक है, मैं इसलिए खास तौर से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये समझ रहे भाई हमारी आंखें क्यों अंधी कराओगे, कि गिनती के 70 बरस हो गए देश की आजादी को और अभी अभी हमने एक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, एक गठबंधन का चुनाव लड़ा है जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज